तुम्हें शक्तियाँ चाहिए ना तो आकर ले लो। कोई होम ये 2022 के एक रोमांटिक और फैंटास्टिक बेस्ड मूवी है दोस्तों, जिसको 6.4 की रेटिंग मिल चुकी है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है एक लड़की की स्टोरी, जिसे एक मुर्दा घर के सामने नौकरी मिलती है और वो भी उसके खास एबिलिटीज की वजह से। अब इस लड़के को एक्चुअली मरे हुए लोग की आत्माएं दिखने लगता है और वो उन सभी लोग की जो आखिरी ख्वाहिशें हैं वो पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसे में इसके बाद की कहानी क्या हो सकता है ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। मूवी बहुत अच्छी है और इसकी बेसिक से बेसिक कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी है, मतलब कि इसके बाद मूवी के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्टोरी मौजूद है। हंटर रोड है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 4.9 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एलन नाम की एक लड़की की, जो कि जब सुबह उठती है तो वो खुद को एक बंद रूम में पाती है और एलन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आई। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एलन को ये पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी है और जिसने उसे किडनैप किया है वो उसके साथ कुछ खतरनाक गेम्स खेलेगा, जिन्हें खेलने के बाद ही एलन यहाँ से बाहर निकल सकती है और अगर एलन ऐसा नहीं करती तो वो उसे मार देगा। तो इससे आगे एलन खुद को बचाने के लिए क्या कुछ करती है और क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगी, सब आप मूवी देखकर जाने। सिसु ये 2022 का एक एक्शन वॉर फिल्म है जिसको 6.9 की रेटिंग मिल चुकी है। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है, दुनिया के अंदर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो चुका है। अब इस बीच मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है एक आदमी की, जो कि सोना ढूंढने के बाद वो सोने को लेकर अपने घर पहुंच रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ नाजी सोल्जर्स जो कि अपने घर लौट रहे थे वो उस बुढ़े आदमी के हाथ से ये सब कुछ सोना वगैरह ले जाता है। अब ऐसे में एक कहावत याद आती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और वो नाजी सोल्जर्स उस बुढ़े इंसान को देखकर बिल्कुल ऐसा ही समझने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इंसान एक्चुअली है कौन और ये आदमी अपने सोने को हासिल करने के लिए क्या कुछ चीजें कर सकता है। तो इसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस मूवी को जाकर जरूर देख सकते हैं यूट्यूब पर। हाँ, ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगी। इसके लिए फिल्मर की भाषा में कोंकणा जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 5.1 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक डीमन हंटर होती है। तो एक दिन ये लड़की के गांव में जाती है जहां पर डीमन्स हमला करते रहते हैं ताकि वो उन डीमन्स को खत्म कर सके। अब इसी बीच हमें एक और लड़का दिखाते हैं जो कि हमेशा आवारागर्दी करता रहता है और उसे इस डीमन हंटर से प्यार हो जाता है। और फिर इससे आगे मूवी में क्या कुछ होता है सब आप मूवी देख कर जाने। Evil Dead ये 2013 की बनी हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसको 6.5 की रेटिंग मिल चुकी है और ये मूवी कहीं ना कहीं मेरी हॉरर मूवीज में से सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। वैसे कहानी आपको देखने को मिल सकती है डेविड और उसकी बहन की स्टोरी, जो कि एक ड्रग एडिक्टेड होती है और इसी वजह से डेविड जंगल के बीच में मौजूद अपने के पुराने घर के अंदर अपनी बहन को लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो अपनी बहन की ड्रग एडिक्टेड इच्छाओं को बंद कर सके। अब ऐसे में उस घर के नीचे एक और रूम मौजूद था जहाँ डेविड की फ्रेंड एरिक पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद उसे एक किताब मिलती है वायर के बीच में लपेटे हुए। अब जैसे एरिक उस किताब को खोलता है उसे पता लगता है कि अब जो भी इंसान इस किताब को पढ़ेगा वो डायरेक्टली हेवन के दरवाजे को खोल देगा, जिससे कि बहुत ही पावरफुल डीमन उनके बीच पहुंच जाएगा। बस में इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए एरिक उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद आगे उनके साथ क्या कुछ चीज होगा ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। अगर आपकी उम्र 18 साल के ज्यादा है तो ही आप इस मूवी को देख लेना, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस और R-rated क्रीपी सीन्स मौजूद है। एक्शन टीम ओवरलोड फ्लावर जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 6.0 की रेटिंग मिली है। और इसमें आपको कहानी देखने को मिलती है कुछ फीमेल एजेंट की, जिन्हें एक लड़की को बचाने का मिशन दिया जाता है क्योंकि उस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो अब ये एजेंट्स कैसे उस लड़की को बचाते हैं और आगे क्या कुछ होता है सब आप मूवी देख कर जाने। ट्रांसपोर्टर पार्ट 3 ये 2003 की बनी को एक्शन क्राइम फिल्म है जिसको 6.1 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है फ्रैंक की स्टोरी, जो कि अपना एक मिशन अपने फ्रेंड को दे देता है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के चक्कर में फ्रैंक अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देता है। ऐसे में ना चाहते हुए जिस इंसान ने फ्रैंक को ये काम दिया था वो जबरदस्ती फ्रैंक को अपने पास बुलाता है ताकि वो फ्रैंक की जो अधूरी काम है वो आप पूरा कर सके। ऐसे में फ्रैंक का मिशन होता है एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, जिसके पीछे कुछ और भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसी चक्कर में फ्रैंक अपने दोस्त का मौत का बदला कैसे लेता है ये कहानी जानने के लिए भाई इस मूवी को देख सकते हैं, जिसके अंदर कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 कैनेडा जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 7.3 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये दिमाग घुमाने वाली मूवी अब YouTube पर आ चुकी है और वो भी हिंदी में। और दोस्तों सच कहूं तो जब मैंने भी इस मूवी को पहली बार देखा था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, और फिर इसलिए मैंने इस मूवी को दूसरी बार देखा था तब जाके कहीं मुझे कुछ समझ आया। इसलिए मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप इस मूवी को खुद देखें और जाने। अगर आपको लगता है कि आपके पास दिमाग है तो इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। हरक्यूलिस बनता है, वैसे मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है हरक्यूलिस और उसके टीम की स्टोरी, जो कि पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन इसी बीच हमें देखने को मिल सकती है कि गवर्नर की बेटी हरक्यूलिस से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने आइलैंड या किंगडम को बचाने में उनकी मदद कर सके, जिसके बदले उन्हें उनकी वजन अनुसार बहुत सारा सोना मिल सकता है। अब इसी दौरान आपको इस मूवी के अंदर हरक्यूलिस और उसके 12 कारनामों के बारे में भी जानने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कहूं तो एक अच्छी मूवी है फैंटेसी वाली। अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना है तो इसे आप जरूर देख सकते हैं। लाइक अ फ्राइडे जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.0 की रेटिंग मिली है, और इसमें आपको कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की जो कि एक टॉय शॉप में काम करते हैं। अब हर दिन की तरह ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी शॉप में बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो कि शॉप के सभी लोगों पर हमला कर देते हैं, और फिर ये लोग खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। तब इससे इस मूवी में क्या कुछ होता है सब मूवी देख कर जाने। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।